नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर जप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। मार्केट में आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयरों के दाम भी गिर गए होंगे। नेचुरल है, जब मार्केट डावाडोल है तो थोड़े आजकल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स ही ज़्यादा होते हैं, तो वो थोड़े गिरते भी ज़्यादा हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इन्वेस्टेड रहना है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, लोग कुछ भी कहें, कितना भी आपको गुमराह करने की कोशिश करें कि ये तो सट्टा है, जुआ है, इसमें कभी किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ, कितना भी भड़काने की कोशिश करें, उकसाने की कोशिश करें, आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, भविष्य आपका है। श्री राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन के शेयर 20 साल तक रखे थे। क्या इन 20 वर्षों में कभी उतार चढ़ाव नहीं आया होगा मार्केट में, या उनके पार्टिकुलर शेयर में भी कई बार उतार चढ़ाव आया है? तो दोस्तों, समय की जरूरत तो होती है आपके इन्वेस्टमेंट को। ये एक तरीके का इसका खाद और पानी है, समय। तो इसलिए आप हमेशा इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाएगी। इथेनॉल और शराब बनाने वाली कंपनी का शेयर लेकर आए हैं आज आपके लिए हम। कंपनी की विस्की को दुनिया की सबसे बढ़िया विस्की का अवार्ड मिला है। एक वर्ष में 133% का रिटर्न है। ब्रोकरेज हाउसेज ऊंचे दाम बोल रहे हैं, आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। इससे पहले हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से ही हमें पता चलता है कि क्या हमारे व्यूअर्स हमारे कंटेंट्स को पसंद भी कर रहे हैं, या हम वैसे ही बनाए जा रहे हैं। तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शेयर की, जो हरियाणा में एक विनिर्माण संयंत्र में चीनी और डिस्टिलरी उत्पादों के निर्माण में लगी है। इसके उत्पाद और राजस्व है, कंपनी को चीनी खंड, चीनी गुड़, बिजली और खोई से 43% की आय है। डिस्टिलरी उत्पादों शराब, माल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, इथेनॉल और पेट बोतलें से 57% की आय होती है। चीनी मिलें 154 दिन तक ही काम करती हैं इसकी। डिस्टिलरी देसी शराब, माल्टा और मार्शल रम का उत्पादन किया जाता है। भारत में निर्मित विदेशी शराब गोल्डन विंग्स विस्की, विस्लर विस्की, कामेट सिंगल माल्ट विस्की और इंद्री टीनी सिंगल माल्ट विस्की, कैमिकारा रम और रॉयल हाईलैंड विस्की तैयार की जाती है। माल्ट प्लांट में स्प्रिट का उत्पाद किया जाता है। इथेनॉल वर्ष के दौरान कंपनी ने अनाज ईएनए से इथेनॉल तैयार किया जाता है, जो विभिन्न तेल कंपनियों की आपूर्ति की जाती है। कंपनी ने अनकोटेड शेयर में भी निवेश किया है। गुड मॉर्निंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 3 करोड़ और पिकेडली होटल्स में 39.80 करोड़। कंपनी भारत सरकार के ब्याज अनुदान योजना तहत इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम तहत छत्तीसगढ़ में प्लांट लगा रही है। कुल परियोजना लागत 182 करोड़ है। तो आज हम बात कर रहे थे पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर का ये बिजनेस मॉडल आपको बताया मैंने, पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज। इसका मार्केट कैप 6,887 करोड़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 29.60% है कैपिटल पर अर्निंग, 29.60% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.60% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 110% की सीएजीआर से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 110% बहुत होता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 80 की पी पर और
तिलक नगर इंडस्ट्री 38 की पी पर मिल रहे हैं। ये इसकी पीयर कंपनी है पिकेडली एग्रो 77 की पी पर मिल रहा है। यह सीजनल सेक्टर की कंपनी है क्योंकि इसका शुगर प्लांट केवल 154 दिन ही चलता है, इसलिए दो क्वार्टर्स कर ही ज़्यादा रिमरेटिव होते हैं, क्वार्टर तीन और क्वार्टर चार। फिर भी हम जून 23 और जून 24 के रिजल्ट्स देख लेते हैं। इस दौरान इसका शुगर प्लांट तो बंद ही रहता है और बाकी चीज़ों के लिए भी रॉ मटेरियल बंद हो जाता है। नेट प्रॉफिट 11 करोड़ है जून 23 में और जून 24 में 13 करोड़ है। इसके हमें ईयरली रिजल्ट्स देखने चाहिए। बेसिकली FY 23 और FY 24 सेल है जो 598 करोड़ से 742 करोड़ हो गई, TTM 756 करोड़ है 36 तक का। OPM 11% था FY 23 में जो बढ़ के 20% हो गया, TTM भी 20% है। नेट प्रॉफिट 22 करोड़ था जो बढ़कर 110 करोड़ हो गया और TTM 112 करोड़ है, तो नेट प्रॉफिट में तो कई गुना वृद्धि हुई है। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में अच्छे इंक्रीज है, नेट प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे कहे जाएंगे। 3 वर्ष में CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 15% रही है। सेल ग्रोथ थोड़ी ठीक ही ठीक रही है, सेटिस्फैक्ट्री रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, 70% है। मार्जिन बढ़े हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% रही है 3 वर्ष की एवरेज। तो CAGR स्टॉक प्राइस है जो 3 साल की वो 197% है। मेरा ख्याल तो ये बहुत ज़्यादा है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर ऐसा ही देती है डिविडेंड या रिमरेटिव ऐसे ही रहती है, ये स्टॉक प्राइस बढ़ती है, तो इससे अच्छा और क्या शेयर होगा। शेयर कैपिटल 94 करोड़ है, रिजर्व 245 करोड़ के हैं, बोरिंग 172 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 42 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 61 करोड़ की है। बैलेंस शीट हेल्दी है, कैश फ्लो प्लस 11 करोड़ है, कैश मैनेजमेंट भी अच्छी है, कैश फ्लो प्लस 11 करोड़ हेल्दी है। प्रमोटर्स की इक्विटी 70.97% है, काफ़ी अच्छी है, लगभग 71% है। FII 0.88%, DII 0.3% की इक्विटी है, तो दोनों की एंट्री हो गई है, इसका मतलब अच्छी तो लगने लगी है उनको कंपनी। ये पब्लिक 28.13% है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। दाम 726 रुपये हैं, प्राइस वैल्यूएशन भी चेक कर लेते हैं इसकी। 52 वीक हाई एंड लो 910 रुपये और 210 रुपये है। EPS 11.86 रुपये है, PE 61 है। इसमें दो सेक्टर हैं, चीनी मिल्स और दूसरी डिस्टिलरी, तो डिस्टिलरी से 57% का इसको रेवेन्यू आता है, तो हम डिस्टिलरी की अगर PE से कंपेयर करेंगे तो ये उचित है, अगर हम चीनी मिल से करेंगे तो ये ज़्यादा लगेगी, इसलिए इसको छोड़ दीजिए आप, PE उचित है, यही है। 4 सितंबर 2024 की खबर है, सरकार वैश्विक स्तर पर भारतीय स्पिरिट को बढ़ावा देगी, $1 अरब का निर्यात का लक्ष्य है, तो भविष्य तो अच्छा है। अचानक वॉल्यूम में वृद्धि हुई है, कंपनी कुछ बड़ा करने जा रही है ऐसा लगता है मार्केट के जानकारों को। डेट टू इक्विटी 0.51 है, मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज की इंद्री दिवाली कलेक्टर्स एडिशन 2024 में लगातार दूसरे साल विस्की ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 गोल्ड मेडल जीता है, बहुत पॉपुलर है इसकी इंद्री विस्की, पिछले साल भी इसको अवार्ड मिला था, वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बिकती है। 1 साल में 133%, 3 साल में 2397%, 5 साल में 10,604% का रिटर्न दिया है, अगर किसी ने रखे होंगे तो। 1 साल की फोरकास्ट 886 रुपये है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में 1500 रुपये से ज़्यादा प्राइस इसकी हो सकती है, तो कोई भी निवेश अगर करना हो
तो स्वयं से जांच करके ही कीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लीजिए, क्योंकि हमारे तो अनुमान है, हम तो अनुमान ही दे सकते हैं आपको, लेकिन सही पैसा तो आपने लगाना है, तो पैसा लगाने से पहले आपको जांच करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट थी आज पिकेडली एग्रो पर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसके लिए कि आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।